नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन में पूरा देश है। 3 तारीख के बाद सरकार ने ऐलान किया था बिहार, राजस्थान, यूपी या अन्य राज्यों के सभी प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हैं और वो अपने अपने फॉर्म भरकर कलेक्टर के पास जमा करें। वहां से परमिशन मिलने के बाद प्रवासी मजदूर को अपने राज्य में भेजा जाएगा। हर रोज लंबी लंबी कतार हर पुलिस स्टेशन में, हर शहरों में दिखाई दे रही है, पर फिर भी लोगों को उम्मीद नहीं है कि वो अपने घर पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि कई ट्रेन छोड़ी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्य नाथ ने उन्हें परमिशन नहीं दी है। इसी पूरी बात पर नवाब मलिक ने एक वीडियो में पुष्टि की है। उन्होंने वीडियो में क्या कहा है, सुनिए। देखिए, हम लोगों ने जब से MHA का आदेश आया है कि एक राज्य में जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें भेजने के लिए मान्यता दी जा सकती है, नोडल ऑफिसर की नियुक्ति हमने कर ली। अलग अलग राज्यों ने नोडल अफसर की नियुक्ति की है। हम लोगों से पर्चा फॉर्म भरवाते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप बना के हम नोडल अफसरों को भेज रहे हैं उस राज्य में। जैसे ही वो मान्यता देते हैं हम ट्रेन बुक करके उनका मेडिकल करा के उन्हें बिठाने का काम करते हैं। आज भी 3-4 ट्रेन हमारी निकलने वाली है अभी, तो खास करके बिहार में बड़े पैमाने पर ट्रेनों का इंतजाम होकर भेजने की तैयारी हो रही है। आंध्र प्रदेश में लोग जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं लोग, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जहाँ जैसे जैसे ट्रेनों से भेजना है, कोई निजी वाहनों से भेजना है, सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश से मान्यता मिलनी चाहिए नोडल ऑफिसर से, उस तरह से नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों का ज़्यादा दबाव है, उनके फॉर्म ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं आनाकानी हो रही है, सच्चाई है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दो राज्य हैं जहाँ पर जो उनका रवैया है ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लेना नहीं चाहते, कुछ नई नई अड़चनें पैदा कर रहे हैं। बाकी राज्यों में इतनी अड़चने नहीं है। बिहार स्मूथली चल रहा है, राजस्थान स्मूथली चल रहा है, मध्य प्रदेश स्मूथली चल रहा है, बंगाल की भी ट्रेन जाने वाली है। तो हमें लगता है ये दो राज्य हैं, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं, या तो लेना नहीं चाहते या जानबूझ के अड़चने पैदा करते हैं ताकि लोग ज़्यादा ना आए। नवाब मलिक का कहना है सभी राज्यों में प्रवासियों को भेजा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी इजाज़त नहीं दी है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।